एमएलए बनने के कई सारे फायदे होते हैं। आपको बहुत कुछ करने का मौका मिलता है, जैसे कि लीडरशिप रोल मिलता है, आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए हैं उन वहाँ के लोगों को जो है रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। इसके अलावा पॉलिसी बनाने का भी मौका मिलता है। तो ये तो बात हो गई कुछ काम के, जो कि MPs यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या फिर MLAs जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं वो करते हैं। मगर इन सब काम के अलावा कुछ प्रिविलेजेस होती हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ होती हैं जो कि इन लोगों को मिलती हैं। अब ये क्या होती हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 105 और 194 है वो कुछ इम्यूनिटीज़ इन MPs और MLAs को देता है। जैसे कि जब कोई भी MP या MLA लेजिस्लेचर के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बोल रहा होता है या फिर वोट दे रहा होता है, तो उस रिगार्ड में वो जो भी कुछ बोल रहे हैं उसके लिए उन्हें इम्यूनिटी अवेलेबल है। यानी जो भी उन्होंने लेजिस्लेचर के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बोला है उसके लिए उन्हें सू नहीं किया जा सकता, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि इंश्योर किया जा सके फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन ऑन लेजिस्लेटिव मैटर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी बोलते जाएं। अगर वो कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं जो कि हेट स्पीच के अंदर काउंट होगा, डिफेमेशन के अंदर काउंट होगा, या फिर कोई वो ऐसा स्टेटमेंट बोल रहे हैं जो कि इलीगल है, तो उस केस में उन्हें इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। इसके अलावा किसी भी MP या फिर MLA को किसी भी सिविल केस के लिए अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब वो पार्लियामेंट या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके सेशंस अगर चल रहे हैं तो उस टाइम पर MP और MLA को अरेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा उस सेशन ख़त्म होने से पहले या बाद में, यानी 40 दिन पहले या सेशन के बाद में जो है MP या MLA को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये जो MPs और MLAs हैं इनके अरेस्ट की वजह से जो पार्लियामेंट की, जो लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग्स हैं, जो सेशंस हैं, उनमें किसी भी तरीके की हिंड्रेंस ना हो, वो अफेक्ट ना हो। तो इसीलिए ये इम्यूनिटी इतने टाइम के लिए इन MPs और MLAs को मिलती है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यही नहीं, इन MPs और MLAs की जो सैलरीज है, जो अलायंसेज हैं, वो भी प्रोटेक्टेड है, वो भी इम्यून है फ्रॉम बीइंग सीज्ड अंडर एनी लीगल डिक्री। यानी अगर उनके ऊपर कोई भी आरोप है तो उस केस में उनकी जो सैलरी है या जो अलाउंसेज उन्हें मिला है उसे जो गवर्नमेंट है उसे सीज नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट फॉर मेंटेनेंस ऑर्डर्स इन फेवर्स ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स। तो अगर उन्हें मेंटेनेंस देना है अपनी बीवी, बच्चों और माँ बाप को, तो अलग बात है, तो उनकी वो सैलरी और अलाउंसेस जो है उनमें से ये पैसे निकाले जाएंगे। इसके अलावा उनकी सैलरी या अलाउंसेस में से कुछ भी सीज नहीं किया जा सकता। सो वी कैन सी कि कैसे इंडिया के जो MPs और MLAs हैं उनके पास कितनी सारी इम्यूनिटीज़ हैं, कितनी सारी प्रिविलेजेस हैं। लेकिन ये सब इम्यूनिटीज़ का जो पर्पज़ है वो यही है कि जो इंडिया की पार्लियामेंट है या फिर जो इंडिया के स्टेट्स हैं, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके जो सेशंस होते हैं उनमें किसी भी तरीके की हिंड्रेंस ना हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो, वो स्मूथली फंक्शन करें। इसीलिए ये इम्यूनिटीज़, ये प्रिविलेजेस इन MPs और MLAs को मिलती हैं। अब ये तो हम समझ गए कि MPs और MLAs के पास कितनी सारी प्रिविलेजेस हैं, कितनी सारी इम्यूनिटीज़ हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इन MPs और MLAs से कुछ इम्यूनिटीज़ ले ली हैं। अब वो कौन सी इम्यूनिटी है? वो इम्यूनिटी है ब्राइबरी की इम्यूनिटी। जी हाँ, रिश्वत लेने की भी इम्यूनिटी है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में ऐसा हुआ है। 1998 के केस के अंदर MP को जो है ब्राइबरी लेने के लिए भी इम्यूनिटी मिल गई थी, क्योंकि उन्होंने रिश्वत ली थी, पैसे लिए थे कि वो वोट कास्ट करें। और इसके बावजूद भी, ब्राइबरी के बावजूद भी, कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो MPs हैं वो इम्यून हैं। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या किया है, अपने इसी डिसीजन को ओवर रूल कर दिया है और ये कहा है कि रिश्वत लेने के लिए कोई भी इम्यूनिटी किसी भी MP या MLA को नहीं मिलेगी। तो आज के हमारे वीडियो में हम यही समझते हैं कि कैसे ये इम्यूनिटी मिली हुई थी और अब कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये इम्यूनिटी वापस ले ली है। तो 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था इन द केस ऑफ PV नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट। तो इस केस में क्या हुआ था, 1993 के अंदर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लगाया गया था, फाइल किया गया था अगेंस्ट देन प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। और इसके बाद ये एलिगेशन सामने आए थे कि जो नरसिम्हा राव हैं और उनके जो एसोसिएट्स हैं उन्होंने रिश्वत ऑफर की थी, ब्राइब ऑफर की थी
काफ़ी सारे MPs को कि वो उनके फेवर में वोट करें, उनकी गवर्नमेंट के फेवर में वोट करें ड्यूरिंग दी मोशन। और जब ये पूरा इशू सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट के 5-judge बेंच ने ये पूरा इशू सुना और 3-2 की मेजोरिटी में जो है पूरा वर्डिक्ट दिया। इसके अंदर कोर्ट ने ये रूल किया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 105 सब क्लॉज 2 और 194 सब क्लॉज 2 है, वो इम्यूनिटी ग्रांट करता है टू दी लेजिस्लेटर्स, यानी जो MPs और MLAs हैं उन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है फॉर देयर फ्री स्पीच एंड वोट इन दी हाउस। और इसीलिए यही जो इम्यूनिटी है वो ब्राइबरी के लिए यानी रिश्वत के लिए भी एक्सटेंड की जाएगी, अगर वो रिश्वत इन दोनों एक्शंस के लिए ही ली गई है, यानी स्पीच और वोट के कनेक्शन में ली गई है तो कोई बात नहीं, रिश्वत लेना भी इसी के अंदर कवर होगा, इम्यूनिटी के अंदर कवर्ड होगा। और इसके लिए जो जस्टिफिकेशन कोर्ट ने दिया वो यही था कि अगर जो MPs और MLAs हैं उन्हें ब्राइबरी लेने के लिए उन्हें पनिशमेंट दी गई, प्रोसिक्यूट किया गया, तो इसकी वजह से MPs को जो है प्रेशराइज किया जाएगा, इंटिमिडेट किया जाएगा फॉर लेजिटिमेट वोट, और ये इफेक्ट डालेगा ऑन फ्री स्पीच एंड वोटिंग विद इन द लेजिस्लेचर। तो 5-judge बेंच में से जो 3 judges थे वो तो इस फेवर में थे कि अगर किसी ने रिश्वत ली है वोट देने के लिए तो उन्हें इम्यूनिटी मिलनी चाहिए, इस रिगार्ड में उसे प्रोसिक्यूट ना किया जाए। लेकिन जो 2 judges थे जो इस बात के फेवर में नहीं थे, उनका ये मानना था कि अगर ये जो इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड की गई फॉर सच क्रिमिनल एक्ट्स, यानी रिश्वत लेने के लिए अगर उन्हें इम्यूनिटी मिली तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है, ये सही बात नहीं है। और अब इतने सालों बाद, ऑलमोस्ट 20 years बाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन्हीं 2 judges की बात मानी है और ये कहा है कि जो 1998 के अंदर जो जजमेंट दिया गया था वो ठीक नहीं था, ठीक था या नहीं था, लेकिन उन्होंने उस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया है और ये कहा है कि जो MPs और MLAs हैं उन्हें रिश्वत लेने के लिए, ब्राइबरी लेने के लिए कोई भी इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और ये जजमेंट आया इन द केस ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब ये पूरा केस क्या था और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए नरसिम्हा राव का केस जो है वो देखा, तो अब हम वो समझ लेते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक MLA सीता सोरेन, उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए थे या अक्यूज़ किया गया था कि उन्होंने ब्राइब ली है, रिश्वत ली है फॉर वोटिंग फॉर अ कैंडिडेट ड्यूरिंग दी 2012 राज्यसभा इलेक्शंस। और जब उनके अगेंस्ट केस फाइल किया गया और जब ये पूरा इशू झारखंड हाईकोर्ट के पास पहुंचा, जो कि CBI ने फाइल किया था, तो झारखंड हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि वो इस केस को जो है क्वॉश नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, और इसी वजह से ये जो केस है कहाँ पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट के पास। अब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, तो ये जो केस है वो किसके सामने गया, बिफोर दी देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई अलॉन्ग साइड जस्टिसेस अब्दुल नज़ीर एंड संजीव खन्ना। तो उन्होंने ये अपील मार्च 2019 के अंदर सुनी थी और ये ऑब्जर्व किया था कि जो PV नरसिम्हा का केस है वो डायरेक्टली इसी केस जैसा है, लेकिन बेंच का ये मानना था कि उस केस के अंदर जो है कैसे डिसाइड हुआ था, द केस वॉज डिसाइडेड इन अ 3-2 मेजॉरिटी। तो कोर्ट का ये कहना था कि इस केस के अंदर बहुत ही नैरो मार्जिन है, और साथ साथ ये भी स्टेट किया गया था कि ये जो पूरा इशू है रिश्वत लेके वोट करने का, ये एक सब्सटेंशियल पब्लिक इम्पोर्टेंस का पूरा इशू है, और इसी वजह से इस केस को एक लार्जर बेंच के पास जो है रेफर किया गया टू अ 7-judge बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। तो सबसे पहले तो इस बेंच ने यह ऑब्जर्व किया कि जो आर्टिकल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, यानी आर्टिकल 194 सब क्लॉज 2 और 105 सब क्लॉज 2, उनका मेन एम, मेन पर्पस यही है कि जो लेजिस्लेटर्स हैं यानी जो MPs और MLAs हैं वो अपने वोट जो है कास्ट कर पाएँ, वोट कर सकें विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर ऑफ रिप्राइजल। तो मेन पर्पस तो इन आर्टिकल्स का, इन प्रोविजंस का यही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम इन MPs और MLAs को ऐसे काम के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करें जो कि एक क्राइम है, एक क्रिमिनल लॉ के अंदर आएगा, यानी इट इज़ अ वायलेशन ऑफ अ क्रिमिनल लॉ। तो अगर हम रिश्वत के लिए इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ अ क्रिमिनल लॉ। और इसके अलावा जब उन्होंने PV नरसिम्हा का केस को जो है देखा, उसे रेफर किया, तो उनका ये मानना था कि उस टाइम पर यह जो डिसीजन था वो प्रोटेक्ट कर रहा था ब्राइब टेकर्स को जो कि वोट कर रहे थे इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ द ब्राइब एंड नॉट दोज हु एक्ट कॉन्ट्ररी टू द पर्पस ऑफ द ब्राइब, यानी जिस काम के लिए उन्होंने रिश्वत दी है वो वही काम कर रहे हैं, ना कि रिश्वत लेने के बाद वो कुछ और ही कर रहे हैं, यानी कुछ नहीं करने के लिए वो रिश्वत ले रहे हैं।
और इसके अलावा बेंच ने यह भी ऑब्जर्व किया दैट देयर इज़ अ नीड टू डिसाइड कि जो ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी है वो कब कंप्लीट माना जाएगा, जब रिश्वत दे दी गई है या फिर जब रिश्वत लेने के बाद जो है उस पर काम किया गया है, यानी रिश्वत लेने के बाद उन्होंने अकॉर्डिंगली वोट किया है या अकॉर्डिंगली जो काम उन्हें करना था वो किया है तो तब उसे कंप्लीट माना जाएगा। तो इस रिगार्ड में भी जो है कहीं पर भी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि जो रिश्वत लेने का ऑफेंस है, जो ब्राइबरी का ऑफेंस है वो कब कंप्लीट माना जाएगा। तो ये सब चीज़ें कंसीडर करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उनका ये मानना था कि पीवी नरसिम्हा राव के केस में जो हुआ था वो इस केस से एकदम कनेक्टेड नहीं है, प्लस उस केस में जो मेजॉरिटी वर्डिक्ट आया वो काफ़ी नैरो मार्जिन से आया, यानी 3:2 के मेजॉरिटी में वर्डिक्ट आया था और जो 2 जजेस थे जो कि उस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे उनका कुछ और मानना था। इस बार उस चीज़ को कंसिडर किया गया है कि उनका क्या ओपिनियन था, उनका क्या ऑब्जर्वेशन था, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये जो इम्यूनिटी मिली हुई थी MPs और MLAs को फ्रॉम ब्राइबरी, रिश्वत लेने से, वो अब नहीं मिलेगी, दे विल नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस केस। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.